आपका छोटा सा टॉपिक है सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो पाइल फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले, जो कि आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर पाइल फाउंडेशन, उससे पहले मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ सॉइल एक्सप्लोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट यहाँ से कई स्मॉल क्वेश्चंस कई बार उन्होंने पूछे हैं लास्ट 3-4 ईयर्स में। तो यहाँ पे आपके सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, आउटसाइड क्लियरेंस, इनसाइड क्लियरेंस एंड एरिया रेशियो। सो इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे आपके क्वेश्चन है। ये बोर्ड पे आपके 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, दिस बोथ क्वेश्चन आर ऑफ गेट प्रीवियस ईयर, और बहुत ही स्मॉल टॉपिक है, मैंने आपको बोला सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं। सो आई विल डिस्कस दोस 3 फॉर्मूले वेरी क्विकली। सो ये आपके फॉर्मूलेज क्या है यहाँ पे, उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल एक्सप्लोरेशन? सॉइल एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का नॉर्मल मतलब होता है किसी भी चीज को फाइंड करना, किसी भी चीज को फाइंड करना। सो सॉइल एक्सप्लोरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सॉइल के ऊपर जितने भी अभी तक हमने डिफरेंट टेस्ट देखे, जितने भी प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या फिर इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, या फिर अभी हमने जस्ट सैलो फाउंडेशन में देखा कि आप टेस्टिंग करो सॉइल का, ये जो सैंपल्स होते हैं, स्पेशली जब आप प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हो तो सॉइल की, कि सॉइल की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, सॉइल फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। सो ये जो प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के लिए आप सॉइल के सैंपल कलेक्ट करते हो। सो ये जो सैंपल आपने कलेक्ट किया सॉइल का, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉइल एक्सप्लोरेशन। इसे हम लोग बोलते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। आप डिफरेंट प्लेसेस पर, जिस भी प्लेस पे आपको कंस्ट्रक्शन करना, आप वहां के सॉइल की प्रॉपर्टी देखोगे। तो वो सॉइल के प्रॉपर्टी देखने के लिए उस पर्टिकुलर साइट पे, साइट इन्वेस्टिगेशन जब आप करेंगे तो वहां पे उस सैंपल को कलेक्ट करेंगे, सॉइल सैंपल को। अब ऐसा तो नहीं सिर्फ सर्फेस से आप उठा के सॉइल लेके आगे लैब में, कुछ सॉइल आप बिलो डेप्थ जाके वहां से भी कलेक्ट करोगे कि उस सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है, डेप्थ चेंज करने पर सॉइल की प्रॉपर्टी क्या हो रही है। इन सारी चीजों को जानने के लिए हम जितने भी डिफरेंट टेस्ट करते हैं, बेसिकली हमारे पास पहले सॉइल सैंपल तो होना चाहिए। जब सैंपल ही नहीं है तो आप टेस्ट किसके ऊपर करोगे? सो दिस कलेक्शन ऑफ सॉइल सैंपल इज नोन एज सॉइल एक्सप्लोरेशन। इसे हम लोग बोलते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। अब ये सॉइल एक्सप्लोरेशन आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। डिग करोगे, एक्सकवेट करोगे और सॉइल कलेक्ट करना, सरफेस से कलेक्शन के मेथड्स नहीं होते, मेथड कलेक्शन होता है सरफेस पे, आप कलेक्ट करते भी नहीं हो, सॉइल सैंपल हमेशा बिलो ग्राउंड सरफेस आप लेते हो। तो ये जो एक्सकवेट करोगे उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, एंड दीज मेथड्स आर डिपेंडेंट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सॉइल। आपका टाइप ऑफ सॉइल क्या है, इसके बेसिस पे आप वहां पर डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हो। सो सम कॉमनली यूज्ड मेथड्स आर ऑगर बोरिंग, परकशन ड्रिलिंग, रोटरी ड्रिलिंग या वास बोरिंग। ये कुछ आपके 4 आपके इंपॉर्टेंट मेथड्स है, कॉमनली यूज्ड मेथड्स है। सो विल राइट हियर वो कॉमनली यूज्ड मेथड्स कौन कौन से मैंने अभी आपको बोले। फर्स्ट वन इज ऑगर बोरिंग, ऑगर बोरिंग। सेकंड वन इज वास बोरिंग। थर्ड वन इज परकशन ड्रिलिंग और परकशन बोरिंग, परकशन बोरिंग। And fourth one is rotary drilling, rotary drilling. So ये different methods हैं जिससे हम soil sample collect कर रहे हैं, means explore कर रहे हैं। So we are actually exploring. So auger boring में क्या होता है, इन सारे में आपके पास equipment होंगे। अब auger boring आपका either manually या फिर mechanically आप conduct कर सकते हो। So mechanically or manually, so it can be conducted mechanically or manually. इसमें क्या करोगे आप, soft clay के लिए, generally soft type of clays होते हैं वहां पे हम लोग use करते हैं auger boring। Hand से आपने वहां पे insert किया और वहां hand से आप excavate करोगे और soil sample बाहर निकालोगे। मैकेनिकली में क्या होगा, अगर वही क्ले की सरफेस हार्ड है या फिर सर्टन हार्ड टाइप ऑफ रॉक वगैरह, इन सब चीजों के लिए आप करना, जनरली रॉक के लिए हम प्रेफर नहीं करते auger boring। बट ज्यादा डीप अगर आपको क्ले ही है, बट क्ले सॉइल में भी आपको डेप्थ पे 5-7 मीटर डेप्थ पे आपको डिग करना है, सो वहां इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे कंडीशन में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप वहां पे हैंड्स, अब 6 मीटर आप हैंड से कैसे डिग कर लोगे। इफ यू वॉन्ट टू डिग ऑल्सो मैन पावर ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। सो टू रिड्यूस दैट मैन पावर एंड टाइम वी गो फॉर मैकेनिकल। मैकेनिकल ऑपरेशन में क्या होगा, कोई मशीन होगा, उस मशीन से हम डिग करेंगे। बहुत सारे आपने डिगिंग मशीन तो देखे होंगे, जेसीबी क्या है आपका, जेसीबी डिग करने के लिए, एक्सकेवेट करने के लिए। सो दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल मेथड, दैट इज ऑल्सो मैकेनिकल मेथड। सिमिलरली वास बोरिंग में क्या करोगे, आप एक पाइप को इंसर्ट करते हो, एक पाइप को, एक ट्यूब को इंसर्ट किया आपने जहां के सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना है, एंड देयर
यू यूज वाटर एज अ मेथड ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन. वाटर से आप निकालते हो कैसे, हैवी प्रेशर पे आपने सॉइल उस पर्टिकुलर ट्यूब में वाटर इंसर्ट किया है. वहां से क्या होंगे, जो वहां उसके बिलो सॉइल सैंपल है वो सॉइल सैंपल अंडर एक्शन ऑफ दिस हैवी वाटर प्रेशर वो वहां से रिमूव होंगे एंड दैट विल बी कलेक्टेड इन ट्यूब. दैट विल गेट्स कलेक्टेड इन ट्यूब और वहां से आप ट्यूब में कलेक्ट करके फाइनली उस सैंपल को ले जाओ और उसकी टेस्टिंग करो. नेक्स्ट परकशन बोरिंग में क्या करोगे, परकशन बोरिंग में भी आप वापस एक ट्यूब ही इंसर्ट करते हो, बट इस टाइम ट्यूब में आपने वाटर इंसर्ट नहीं किया, इस टाइम पे आपने ट्यूब में हैमर के थ्रू या इम्पैक्ट लोड के थ्रू आप वहां पे परकशन ये ट्यूब को इंसर्ट करोगे सॉइल में, सो दैट ड्यू टू दिस इम्पैक्ट लोड, ड्यू टू दिस प्रेशर वो सैंपल क्या होंगे, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो आपके उस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे. अगेन सेम प्रोसेस सेम स्टेप, आप उस सैंपल को ले जाओ और उसके ऊपर टेस्टिंग करो. सो ये सारे जितने भी डिफरेंट मेथड्स हैं, दीज मेथड्स आर टू कलेक्ट द सैंपल. फर्स्ट स्टेप तो आप जब सैंपल कलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपने सैंपल कलेक्ट किया. नेक्स्ट स्टेप है कि फिर आप इस सैंपल को ले जाओगे और उसकी टेस्टिंग करोगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए. सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट द सैंपल, दीज आर डिफरेंट मेथड्स टू कलेक्ट द सैंपल. अब जो आपने सैंपल कलेक्ट किया, ये सैंपल दो टाइप के हो सकते हैं, आइदर इट विल बी अनडिस्टर्ब्ड सैंपल और इट विल बी डिस्टर्ब्ड सैंपल. सो अनडिस्टर्ब्ड और ये डिस्टर्ब्ड सैंपल क्या होता है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल का मतलब होता है वैसे सॉइल सैंपल जिसकी स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट और मिनरल कंटेंट हैज नॉट बीन चेंज्ड ड्यूरिंग कलेक्शन प्रोसेस. जब आप ये कलेक्ट कर रहे हो ये डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करके, तो ऐसा हो सकता है कि सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाए, ऐसा हो सकता है कि सॉइल की मिनरल कंटेंट चेंज कर जाए, या फिर सॉइल की जो मॉइस्चर कंटेंट है वो चेंज हो जाए, वो ड्राई हो जाए या फिर ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाए, मीन्स वाटर टेबल इनकाउंटर हो गया. तो सो ये सारे जो खास करके थ्री प्रॉपर्टी जो मैंने बोला, स्ट्रक्चर, मॉइस्चर कंटेंट एंड मिनरल कंटेंट, अगर ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी चेंज नहीं हुई हैं, सो दैट विल बी रेफर्ड एज अनडिस्टर्ब्ड सैंपल. और डिस्टर्ब सैंपल मीन्स ये प्रॉपर्टी चेंज होंगे तो उसे आप लोग बोलते हो डिस्टर्ब सैंपल. इन डिस्टर्ब सैंपल ऑल्सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सैंपल, एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव. रिप्रेजेंटेटिव हम बोलेंगे अगर आपका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो चुका है बट स्टिल मॉइस्चर कंटेंट और मिनरल कंटेंट चेंज नहीं हुआ है. सो मॉइस्चर कंटेंट और मिनरल कंटेंट चेंज नहीं हुआ बट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है तो वो डिस्टर्ब तो हो चुका है, बट इन डिस्टर्ब ऑल्सो इट विल बी रेफर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ सॉइल. मीन्स ऐसे रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ सॉइल को माइनर प्रॉपर्टी जो है ना आपके लिक्विड लिमिट, ये सारी जो प्रॉपर्टीज फाइंड करते हो वैसे प्रॉपर्टीज ना आप यूज कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जितने भी हैं उन प्रॉपर्टीज के लिए आपको अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ही चाहिए होते हैं. सो आवर प्रेफरेंस विल ऑलवेज टू कलेक्ट अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ले पाओ, क्योंकि जब भी जैसे ही आपने प्रेशर अप्लाई किया, एक्सकेवेट किया, ऑब्वियसली बात है अंडर एक्शन ऑफ इम्पैक्ट और प्रेशर या वाटर किसी भी वजह से वहां पे सॉइल तो डिस्टर्ब होंगे. सो अनडिस्टर्ब्ड सैंपल इज नॉट पॉसिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन. थियोरेटिकली हम बोलते हैं कि अनडिस्टर्ब्ड या डिस्टर्ब है, मीन्स बहुत लेसर डिग्री पे अगर डिस्टर्बेंस है तो विल से इट एज अनडिस्टर्ब्ड सैंपल. सो सैंपल के मैंने क्या बोले, दो टाइप है, सैंपल इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज अनडिस्टर्ब्ड सैंपल एंड सेकेंड वन इज डिस्टर्ब सैंपल. सो अनडिस्टर्ब में मैंने आपको क्या बोला, मॉइस्चर कंटेंट, नेक्स्ट मिनरल कंटेंट एंड आफ्टर दैट अ स्ट्रक्चर. सो ये तीन चीजें अगर अनचेंज्ड हैं, दे डिड नॉट गेट डिस्टर्ब, तो आप बोलोगे अनडिस्टर्ब सैंपल है. बट डिस्टर्ब्ड अगर हो गए, इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही है सैंपल की, मीन्स वो ब्रेक हो रही है, वो चेंज कर रहे हैं, सो विल से दैट डिस्टर्ब. बट डिस्टर्ब में अगेन दो पार्ट है, फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकेंड वन इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव. सो रिप्रेजेंटेटिव में मैं क्या बोलूंगा, एंड नॉन रिप्रेजेंटेटिव. सो रिप्रेजेंटेटिव में मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर अगर आपके चेंज हो भी गया बट स्टिल मॉइस्चर कंटेंट और मिनरल कंटेंट जो आपके हैं, मॉइस्चर कंटेंट और मिनरल कंटेंट है, इफ दिस डज नॉट चेंजेस, ये आपके अभी भी अनचेंज्ड हैं,
विल से इट एज रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ सैंपल, और नॉन रिप्रेजेंटेटिव में मीन्स ये दोनों भी अगर आपके चेंज हो गए हैं, सो सच टाइप ऑफ सैंपल इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव, या उसे वेस्ट सैंपल ही बोलते हैं, वो फिर हमारे किसी भी काम का नहीं है। नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज नॉट ऑफ एनी यूज, उससे आप किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड नहीं कर सकते हो। सो दीज आर टाइप ऑफ सैंपल और डिफरेंट मेथड जो हमने अडॉप्ट किए हैं, इन ऑर्डर टू फाइंड और इन ऑर्डर टू कलेक्ट द सैंपल। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बोले थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं, एंड दोज इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज आर आउटसाइड क्लियरेंस, इनसाइड क्लियरेंस एंड एरिया रेशियो। सो जो ये सैंपल है कलेक्ट करने के लिए, आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, जो ट्यूब आप यूज करते हो, सो बेस्ड ऑन दैट ट्यूब एंड सैंपल देर आर सर्टन फॉर्मुलेज। वो क्या है, आई विल ड्रॉ हियर, ये आपका एक सैंपल है, मीन्स टोटल इक्विपमेंट है जिससे आप सैंपल कलेक्ट करोगे। ये आपके पॉइंटेड सरफेस होते हैं, बॉटम पे पॉइंटेड सरफेस होते हैं। अब यहां पे आपका फर्स्ट ये है D1, दिस इज D2, ये आपका D1 है एंड दिस इज D2। नाउ सिमिलरली यहां पे आपका ये क्लोज है पूरा, दिस इज D3 एंड दिस टॉप वन इज D4। सो ये आपके D1, D2, D3, D4 क्या है, ये D1, D2 एंड D3, D4। सो D1 जो आपका होगा दैट विल बी, D1 विल बी इनसाइड डाया ऑफ कटिंग एज, दैट इज इनसाइड डायमीटर ऑफ कटिंग एज। सिमिलरली D2 क्या है आपका, दिस D2 इज ये D2 क्या होगा, D1 इज इनसाइड डाया ऑफ कटिंग एज, सो D2 विल बी आउटर डायमीटर ऑफ कटिंग एज। नाउ थर्ड वन D3, सो D3 में क्या बोल सकते हैं, दिस इज इनसाइड डाया ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, ये कटिंग एज है बट ये पूरा जो सिस्टम है इसे हम लोग बोलते हैं सैंपलिंग ट्यूब, जो ट्यूब जिसे मैंने अभी बोला इंसर्ट करोगे और वहां से आप सैंपल निकालोगे, हैंड से थोड़ी ना निकाल लोगे, सैंपल आप ट्यूब में कलेक्ट करते हो सो दैट कि उसकी डिस्टर्बेंस की जो लेवल हो वो बहुत कम हो, वो अनडिस्टर्ब सैंपल ऑब्टेन करो, सो दैट इज सैंपलिंग ट्यूब। सो D3 विल बी inside diameter of sampling tube. D4 will be outside diameter of sampling tube. So this is inside dia of sampling tube and outside dia of sampling tube. So first term आपके पास आते हैं, that is inside clearance. So ये inside clearance क्या है? Inside clearance. So this inside clearance will be equal to D3 minus D1. So D3 minus D1 divided by D1 into 100. So this is inside clearance, first formula inside clearance. Inside clearance कितनी, cutting edge की effectiveness कितनी है, that will give you inside clearance. So this is inside clearance. Second one is outside clearance. So this outside clearance will be equal to D2 minus D4. D2 minus D4 divided by D4 into 100. So this will give you outside clearance. And last one is area ratio.
ये एरिया रेशियो क्या होता है, दिस एरिया रेशियो विल बी डी टू स्क्वायर, दिस एरिया रेशियो विल बी डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर, सो डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी वन स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू एरिया रेशियो इन 200 आप कर लो, सो दिस विल गिव यू एरिया रेशियो, एरिया रेशियो। सो थ्री इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके, इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस एंड एरिया रेशियो। सो ये थ्री फॉर्मूले के बेसिस पे ही आपके इंटायर सॉइल एक्सप्लोरेशन के क्वेश्चन गेट में पूछे गए हैं। थ्योरेटिकल अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, सो दैट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे जो भी पूछेंगे आउट ऑफ दीज थ्री फॉर्मूले दे विल आस्क दैट पर्टिकुलर आंसर, सो आउट ऑफ दीज फॉर्मूले दे विल आस्क द क्वेश्चन। नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, इन फर्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग फॉर आउटसाइड क्लियरेंस, दे आर आस्किंग आउटसाइड क्लियरेंस फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, सो दैट आउटसाइड क्लियरेंस क्वेश्चन पढ़ो आप। द डायमेंशन ऑफ अ सॉइल सैंपल आर गिवन, डायमेंशन गिवन है आपके, कटिंग इज इनसाइड डाया एंड आउटसाइड डाया इज गिवन, सैंपलिंग ट्यूब की इनसाइड डाया आउटसाइड गिवन है। आउटसाइड क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, राइट नाउ आउटसाइड क्लियरेंस इक्वल टू, आउटसाइड क्लियरेंस फॉर्मूला क्या है आपके आउटसाइड क्लियरेंस के लिए, आउटसाइड क्लियरेंस, सो आउटसाइड क्लियरेंस फॉर्मूला, आउटसाइड क्लियरेंस की फॉर्मूला क्या होगी, दैट विल बी आउटसाइड क्लियरेंस विल बी डी टू माइनस डी फोर डिवाइडेड बाई डी फोर इन टू हंड्रेड, डी टू माइनस डी फोर डिवाइडेड बाई डी फोर इन टू हंड्रेड, सो वो डी टू और डी फोर क्या होगी, डी टू माइनस डी फोर, डी टू क्या है आउटसाइड डाई ऑफ, डी टू विल बी आउटसाइड डाई ऑफ कटिंग एज, और डी फोर क्या था आपके पास, डी फोर वॉज आउटसाइड डाई ऑफ, आउटसाइड डाई ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब, आउटसाइड डाई ऑफ सैम्पलिंग ट्यूब, सो यहां पे आपके क्या पास क्या होगा, डी टू माइनस डी फोर डिवाइडेड बाई डी फोर इन टू हंड्रेड, सो यहां पे डी टू क्या है, डी फोर क्या है, and how we'll find that outside clearance, so how we'll find this d2 minus d4 by d4, d2 ki value yahan pe kya hai outside die of cutting edge, so that will be 100 minus d4 kya tha outside die of sampling, outside die of sampling tube, so outside die of sampling tube is 90, so 100 minus 90 divided by 90 into 100, this value will be 10 by 90 into 100, how much this value coming 9, this will be 11.11%, so value will be 11.11% mein unhone pucha hai, so 11.11% ho jayegi। next second question aap dekho, a core cutter of 130 mm height has inner and outer diameters of 100 and 106 mm respectively, area ratio aap se puch rahe hain, how will find area ratio, सो एरिया रेशियो में आपके पास हाइट का कोई भी रोल नहीं है, आप सिंपली आप फाइंड कर सकते हो, एरिया रेशियो इज ए आर एरिया रेशियो इक्वल टू डी टू स्क्वायर माइनस डी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी वन स्क्वायर इनटू 100, सो डी टू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 106 स्क्वायर, डी वन स्क्वायर इज 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर इनटू 100, फाइंड दिस वैल्यू, आप यूज करो अपने कैलकुलेटर और फाइंड करो ये वैल्यू कितनी आ रही है, that value will become 12.36%, this value will come 12.36%, so correct answer will be 12.36, so first ke liye 11.11 and second one 12.36, so iske basis pe ho sakta hai coming exam mein wo inside clearance aapse puch le, to ye dhyan rakhna hai ki d3 d1 kya hai, सिर्फ आप ये याद रखो अगर यही नहीं मालूम है कि D1 D2 क्या है, वो थोड़ी ना आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है, वो तो आपको फाइंड करना है कि D1 की वैल्यू क्या है D2 की वैल्यू क्या है, D1 क्या था इनसाइड डाई ऑफ कटिंग एज, D2 आउटसाइड डाई ऑफ कटिंग एज, D3 इनसाइड डाई ऑफ सैंपलिंग ट्यूब एंड D4 आउटसाइड डाई ऑफ सैंपलिंग ट्यूब, सो दैट इज ऑल अबाउट सॉइल एक्सप्लोरेशन, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था ये मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस किया, सो नाउ द लास्ट टॉपिक विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज पाइल फाउंडेशन और पाइल एक्सप्लोरेशन।